गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो राजा सहाय जी, वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। जगत जी, मिस गीत, हाय हाउ आर यू मिस गीत, कैसी हो? सचिन जी हेलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बलजीत जी हाय, यस मिस गीत आई सी यू, थैंक यू मिस गीत। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मधु है और मैं ओवन्स अप इंदौर से हूँ और आज मैं अपने यूजुअल टाइम से बहुत पहले आई हूँ बीइंग अ संडे। सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि मल्टीपर्पज रेसिपी है। उसे आप सब्जी की तरह भी खा सकते हैं या उसे आप स्नैक की तरह भी खा सकते हैं, एज अ फिलिंग भी खा सकते हैं, ऑन इट्स ओन भी खा सकते हैं। सो आज जो हम वेजिटेबल या जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसका नाम है कैलकटा स्टाइल लेक आलू। ओके, सो कैलकटा लेक जो है यू नो इट्स वेरी फेमस, जो भी वेस्ट बंगाल गया होगा एंड वहाँ पे जो स्ट्रीट फूड है कैलकटा का, इट इज़ वर्ल्ड फेमस, वी ऑल नो दैट। और कैलकटा पुचकास के लिए बहुत फेमस है, जिसे हम पानी पूरी या गोलगप्पे भी बोलते हैं कैलकटा में, या कोलकाता में उसे पुचकास बोला जाता है। सो जो आज हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो कैलकटा लेक स्टाइल दम आलू है। ओके, और इस रेसिपी को बेसिकली पुचकास के अंदर फिल करके भी खाया जाता है, जो पूरी सेव पूरी में हम पूरी यूज़ करते हैं उसके ऊपर रखकर भी खाया जाता है, एंड एज इट इज़ ऑन इट्स ओन भी खाया जाता है। ठीक है, या आप उसे एज अ सब्जी विथ रोटी पराठा पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी जिसका नाम है कैलकटा लेक स्टाइल दम आलू। ओके, सो एनी वन फ्रॉम वेस्ट बंगाल माइट बी नोइंग अबाउट दिस रेसिपी। बहुत इजी रेसिपी है, झटपट बन जाएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए, सबसे पहले हम बनाएंगे इसका एक मसाला। ओके, इसमें एक स्पेशल मसाला डलता है, उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। हमें चाहिए लौंग अबाउट 8 to 10 क्लोव्स, उसके अलावा हमें चाहिए काली मिर्च के बॉल्स, हमें चाहिए सौंफ, धनिया साबुत धनिया और खड़ी लाल मिर्च, ये हमें चाहिए, सिनेमन स्टिक हमें चाहिए एंड ज़ीरा। ओके, ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं कैलकटा लेक स्टाइल दम आलू बनाने के। ओके, और इसको हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। आप इस मसाले को, इसे भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसे हम ऑलरेडी जब सब्ज़ी बनाएंगे या ये जब आलू बनाएंगे हम तो उसमें ये भुन जाएगा। आप चाहें तो भून के इसको एक बॉक्स में रख सकते हैं एंड यू कैन यूज़ इट इन वेरियस वेजिटेबल्स एंड रेसिपीज, लेकिन आज हम इसे डायरेक्टली ग्राइंड करेंगे। तो आपने देख लिए ये सारे मसाले, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उन्हें मैं बता दूँ, हम बना रहे हैं कैलकटा लेक स्टाइल दम आलू, जो कि एक स्ट्रीट फूड है, स्पाइसी है, टैंजी है और बहुत ही डिलिशियस है, फ्लेवरफुल भी है। हमने कोरिएंडर सीड्स यानी धनिया के सीड्स लिए हैं, लौंग ली है, काली मिर्च के बॉल्स लिए हैं, सौंफ, खड़ी लाल मिर्च और सिनेमन और ज़ीरा। ओके, इन्हें हमें मिक्सर में ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद इसमें हम ग्राइंड करते टाइम ही थोड़ा सा अबाउट 2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे, तो कुछ इस तरीके का ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा इस टाइप से। ओके, मिक्सी में आप इसे पानी के साथ थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए, तो इस टाइप का हमें एक यू नो मिक्सचर तैयार करना है। अगर ये थोड़ा सा आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो मसाले की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है कैलकटा लेक स्टाइल दम आलू बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आगे की प्रोसेस। सबसे पहले मैं पैन को हीट कर लूँगी। एंड अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है, कुछ यूनिक लगता है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। हमारा पेज नेम इज़ ओवन्स अप बाय मधु। पैन में मैं ऑयल डालूंगी
आप चाहें तो इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, यूजुअली ये सरसों के तेल में ही बनता है। आई एम यूजिंग सनफ्लावर ऑयल टुडे, सो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल हम अभी यहाँ पे डालेंगे, अबाउट 3 टेबलस्पून्स, क्योंकि हमें आलू इसमें फ्राई करने हैं, डीप फ्राई नहीं करने हैं, शैलो फ्राई करने हैं। तो मैंने कुछ आलू इस तरह से बॉयल करके रख लिए हैं, आप चाहें तो जो छोटे आलू आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने छोटे मीडियम साइज के आलू लिए हैं, उन्हें बॉयल करा और हाफ में कट कर लिया है। ओके, इसको हम इसमें शैलो फ्राई करने वाले हैं इस ऑयल में। दीपा जैन जी हेलो, सुरेखा जी, मिस कोरडिया एंड मुनाक्षी जी, निहार जी, थैंक यू रूपम जी, एंड आई एम इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन द नेम्स, हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। तो ये ऑयल हमारा थोड़ा सा हीट अप हो गया है, आई विल टेक यू क्लोजर, एंड इसमें हम ये पोटैटोज डाल देंगे। हमें इसे शैलो फ्राई ही करना है, डीप फ्राई नहीं करना है इन पोटैटोज को। इसे हल्का सा हम इस तरह से इसके आलू पे पूरी तरह से कोटिंग हो जाए ऑफ ऑयल, क्योंकि हम बहुत ऑयल यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम दम आलू में आलू को थोड़ा सा हम फ्राई करते हैं, बस बिल्कुल उसी तरह से हमें इसका कलर चेंज होए और जब तक इस पर थोड़ी सी एक क्रिस्पी लेयर ऊपर आ जाए गोल्डन ब्राउन कलर की, हमें तब तक ही इसे फ्राई करना है। बाकी का प्रोसेस बहुत ही आसान है। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है मैं बता दूं, हम बना रहे हैं कैलकटा लेक स्टाइल दम आलू, और उसमें हमने शुरू में बनाया एक खड़ा मसाला का मिक्सचर, जिसमें मैंने यूज़ किया जीरा, सौंफ, कोरिएंडर सीड्स, सिनेमन स्टिक, खड़ी लाल मिर्च, क्लोव्स और काली मिर्च के दाने मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, और इसे मैंने पानी में थोड़ा सा पानी में डालकर मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और इस टाइप की पेस्ट बना ली है। ये बनेगा हमारा बेस ऑफ कैलकटा लेक स्टाइल दम आलू। बहुत ही डिलिशियस ये रेसिपी है। अभी फेस्टिवल टाइम है, आप कोई गरम नाश्ता बनाना चाहते हैं या कोई फ्रेश नाश्ता बनाना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम गुजिया, मठरी, चकली, सेव एट्सेट्रा, आप ये डिश बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है ये, और आपको लगेगा आप कैलकटा होकर आए। एंड इसको आप सेव पूरी वाली जो पूरीज होती है उसके साथ सर्व कर सकते हैं, चाट कटोरी वाली जो कटोरी होती है छोटी, टार्ट फॉर्म की तरह जो होती है उसके साथ सर्व कर सकते हैं, या पुचकाज जो हमारी पानी पूरी की पूरी होती है उसमें ये फिल करके आप सर्व कर सकते हैं। ये एक तरह की चाट है, बोलते इसे दम आलू है कैलकटा में, लेकिन ये एक हमारे लिए एक तरह की चाट है, और बहुत ही टैंजी यानी खट्टा मीठा इसका टेस्ट है और स्पाइसी भी है। देखेंगे थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लग गया है, बट अभी हमें इस पर थोड़ा सा और वर्क करने की ज़रूरत है। लाइक दिस, बीच बीच में आप हिलाते रहिए। कोई अगर क्वेश्चंस है, कमेंट्स है तो आई वुड लाइक टू सी। प्रजापति जी, मिस्टर चावड़ा थैंक यू फॉर वॉचिंग, पूनम खंडेलवाल जी हेलो, संजू सिंह जी, मारिया जी, अनगा जोशी जी थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप लोग अपना टाइम निकाल कर आए। सुरेखा गाड़गे जी, चांदनी जी, इस रेसिपी को शेयर भी ज़रूरी करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। नीलम जी, सैयद अब्बास जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए रेसिपी की तरफ फिर से चलते हैं। हम बना रहे हैं कैलकटा लेक स्टाइल आलू, दम आलू। ये देखिए अब थोड़ा सा ये ब्राउनिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। ऑलरेडी हमारा आलू बॉइल है तो हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे सिर्फ एक क्रंची सा टेक्सचर देना है, दैट्स इट।
मैं रोज़ आप लोगों से मिलती हूँ विद अ न्यू रेसिपी। आप मुझे फीडबैक में भी बता सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर रेसिपी है जो आप सीखना चाहते हैं फॉर दिवाली और अदरवाइज। मैं इस कमिंग वीक में भी रोज़ आप लोगों से मिलूँगी एट 9:30 PM एवरी नाइट। एंड कोई कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि कोई रेसिपी आपने मेरी अगर ट्राई करी है या करना चाहते हैं या कोई स्पेशल टिप्स आपको चाहिए हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं बाद में आफ्टर दिस लाइव सारे कमेंट्स देखती हूँ और अप्रिशिएट भी करती हूँ उनको। सो इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो ये हमारी ब्राउनिंग हो रही है, थोड़ा सा हमें और वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसे क्रिस्पी बनाना है। क्योंकि ये चाट है, थोड़ा सा अगर इसमें क्रिस्पीनेस रहेगी तो बहुत ही शानदार ये रेसिपी बनेगी। हम बना रहे हैं कैलकटा लेक स्टाइल दम आलू, जो कि स्ट्रीट फूड है कैलकटा का। और जो लोग भी कैलकटा गए होंगे और स्ट्रीट फूड वहाँ पे खाया होगा, आई एम श्योर उन्हें इसके बारे में पता है। और इसे यूजुअली फोर्क या टूथपिक के साथ खाया जाता है, वहाँ पे स्पेशल दोने में वो लोग इसे सर्व करते हैं। कुछ बहुत ही खास इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो शुरू में मैंने आपको बताया, हमने खड़ा मसाला लिया था और उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया विद पानी। आप देख सकते हैं 2-3 बार मैं इसकी रेसिपी बता चुकी हूँ इस मसाले की, आप फिर भी इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। एंड अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो आप इसको लाइव को फिर से देख सकते हैं। सनी जी, यू वॉन्ट अ नॉन वेजिटेरियन रेसिपी? आई एम अ वेजिटेरियन, अ प्योर वेजिटेरियन। एंड यहाँ पे अमूल डजंट प्रमोट नॉन वेजिटेरियन फूड, तो आप अपनी रेसिपी कहीं गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, बट दिस कैन नॉट बी डन। इफ देर इज अ डिमांड फॉर अ वेजिटेरियन रेसिपी, मैं या जो भी होम शेफ्स यहाँ पे आते हैं या प्रोफेशनल शेफ्स जो आते हैं वो आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर पाएंगे मे बी, बट दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। सो ये ऑलमोस्ट हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए, देखिए कितना सुंदर कलर आया है। आई विल जस्ट शो वन अ लिटिल क्लोजर व्यू, देखिए तो इस तरह से ये हमारे आलू प्रिपेयर हो रहे हैं, कैलकटा लेक स्टाइल दम आलू। आज शाम को ही आप इसको बना सकते हैं, अभी चाय के साथ आप अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। सचिन जी थैंक यू फॉर थम्स अप, गीत दीदी थैंक यू फॉर वॉचिंग, संध्या कुमारी जी, तुलाराम जी, मोहम्मद नदीम जी थैंक यू एवरी वन, मालकॉम जी थैंक यू। सो ये ऑलमोस्ट डन है, जस्ट वन मोर मिनट वी विल डू इट। एंड जब तक ये हो रहा है वी कैन स्टार्ट द अदर प्रोसेस। सो इसे हम लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं और दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं सो दैट ये अपने आप फ्राई होते रहेंगे और बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे। सो अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ऑयल और घी का मिक्सचर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। जनरली इस रेसिपी में मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, आई एम यूजिंग सनफ्लावर ऑयल। एंड इसमें मैं थोड़ा सा अमूल घी ऐड करूँगी, ओके, इससे इस रेसिपी की पूरी तरह से जो फ्लेवरिंग है वो चेंज हो जाएगी और बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट आएगा। हमें आलू पे भी ध्यान देना है इन बाइल मेकिंग आवर ग्रेवी। सो यहाँ पे हमारे आलू बन रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बता सकते हैं अगर कोई कोलकाता से है कि आई एम मेकिंग दिस रेसिपी नाउ, और वो आके हमारा लाइव देख सकते हैं कहीं अगर
कुछ चेंजेस हो सके तो हम नेक्स्ट टाइम इस रेसिपी में चेंजेस कर सकते हैं, हमें भी फीडबैक की ज़रूरत होती है. एंड ऑल द शेफ्स जो यहाँ पे आते हैं और मैं, हम वी आर वेरी ओपन टू फीडबैक्स. और जब आप फीडबैक देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमारे पेजेस को फॉलो करते हैं, अमूल के लाइफ पे रेगुलरली आते हैं, तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से. सो एक तरफ हमने ऑयल और अमूल घी का कॉम्बिनेशन हीट अप कर लिया है. अब इसमें हम डालेंगे हमारे रेगुलर स्पाइसेस. सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी हींग, नॉट मच, थोड़ी सी हींग मैं डालूंगी इसमें. फिर मैं डालूंगी राई. इसके साथ साथ ही मैं डाल दूंगी तेज़पत्ता. ओके, तेज़पत्ता का बहुत ही इसमें ज़बरदस्त फ्लेवर आता है. छोटे दो पीसेस आप डाल सकते हैं. आप देखेंगे हमारे यहाँ पे जो आलू बन रहे हैं, बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसमें, ये देखिए. तो इस तरह से आपको क्रिस्पी करने हैं बॉइल आलू. आप चाहें तो छोटे वाले आलू ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ आलू लिए हैं और उन्हें हाफ में कट किया है. इन्हें हम थोड़ा सा उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन करेंगे सभी तरफ से. नाउ आई विल ऐड जीरा. इसमें मैं जीरा डालूंगी. और अब इसमें जो हमने ये पेस्ट बनाया था खड़े मसाले और पानी को लेकर, वो धीरे से मैं इसमें डाल दूंगी. बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अमूल घी से. इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं डालूंगी इसमें ओनियन. बहुत ही बारीक मैंने इसे काट लिया है, वो मैं इसमें डालूंगी. मैं अबाउट टू मीडियम साइज ऑफ अनियंस यहाँ पे लेके डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से सौते करेंगे. बिल्कुल बराबर से इसे हम सौते करेंगे यहाँ पे. देखिए, और हम साथ ही साथ जो हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं उन पे भी नजर रखेंगे. आई एम श्योर आपको ये सिज़ल की आवाज़ आ रही है. फ्रेश खाना जब बनता है घर में, उसकी खुशबू और उसकी जो आवाज़ होती है उसकी बात ही कुछ अलग है. थोड़ा सा मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर डालूंगी. आप चाहें तो बाद में लेमन जूस भी डाल सकते हैं. मैं अमचूर पाउडर प्रेफर करती हूँ, वो मैं डालूंगी यहाँ पे. इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है. अब हम साथ ही साथ जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं, एक तो हमने जो खड़ा मसाला का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया. अब मैं दूसरे इसमें जो मसाले होते हैं जैसे कि कोरिएंडर पाउडर, मैं 2 फुल टीस्पून इसमें डाल रही हूँ. ओके, मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, अबाउट 1/2 टीस्पून. आप अपने हिसाब से इसमें मिर्ची डाल सकते हैं. और मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी. और अब हम इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, सौते करेंगे. और साथ ही मैं डाल दूंगी सॉल्ट. सॉल्ट डालने से ओनियन का जो बनने का प्रोसीजर है वो जल्दी हो जाता है. कुछ और स्पाइसेस हैं एक दो, हम वो बाद में डालेंगे. इसे थोड़ा सा कुक होने देंगे अभी हम. ढक देते हैं इसे सो दैट हमारा प्रोसीजर थोड़ा जल्दी हो जाएगा. और यहाँ पे हम हमारे आलू की तरफ चलते हैं फिर से. आवर पोटैटोज आर ऑलमोस्ट डन. ये देखिए, इस स्टेज तक आपको लाना है अपने सारे पोटैटोज को फ्रॉम ऑल फोर साइड्स, क्योंकि अगर ये क्रंची नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा.
थोड़ी सी प्रिपरेशन लगती है टू मेक दिस. मेन टाइम इज द आलू का प्रोसीजर. बाकी चीज़ें बहुत फटाफट हो सकती है. अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी. खोल लेते हैं इसे जो हम ग्रेवी बना रहे हैं ओनियन से. बिल्कुल बारीक मैंने काटा है. पेस्ट नहीं यूज़ करना है ओनियन का. आप इसे बारीक काटें. आपके पास अगर वो जो राउंड वाला श्रेडर होता है स्ट्रिंग से खींचने वाला, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये ऑलमोस्ट हमारा पकने की स्टेज पे आ गया है. मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी अब और फ्लेम हम तेज़ कर देंगे. इसमें अगर एक बार जैसी बॉईल आ जाएगा हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड कर देंगे. आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है और आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. आलू हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं. बहुत ही क्रिस्पी सा इसके ऊपर एक लेयर आया है आलू पे और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है. अमूल घी ने इस रेसिपी को चार चांद लगा दिए हैं. अब हम इसमें डालेंगे हमारा स्टार इंग्रेडिएंट, वो है टैमरिंड चटनी, यानी कि इमली की चटनी. वो डालेंगे. मैं डालूंगी अबाउट 3/4 ऑफ टेबल स्पून इसमें इमली की चटनी का. इमली का पेस्ट है एक्चुअली, वो मैं डालूंगी. मिस गीत, थैंक यू फॉर वॉचिंग. ये देखिए इसमें हमने टैमरिंड पेस्ट डाला है और अब मैं डालूंगी इसमें चाट मसाला. कोई भी कंपनी का आप चाट मसाला ले सकते हैं क्योंकि हम बना रहे हैं चाट. तो मैं अबाउट 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला डालूंगी. और हमारे आलू यहाँ पे हो गए हैं, मैंने बंद कर दिया है और इसे अब हम एक बार ऑन अ हाई सौते कर लेंगे. तो कैसी लग रही है ये रेसिपी मुझे बताइए और कब इसे ट्राई करने वाले हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग. मंच विथ माधवी 211G, थैंक यू. आई थिंक यू आर अ शेफ. थैंक यू वेरी मच आपका टाइम निकाल के मेरी रेसिपी को देखने के लिए. थैंक यू वेरी मच मानव जी, रवि जी, शुभ बाली जी, अंगना एंड अनगा, आई एम सॉरी, शिखा, सहज वर्मा जी, ज्योति प्रसाद जी, सैयद जी, चंद्रकांत जी, रेनू एंड मधु गोस्वामी जी. मधु जी मेरा नाम भी मधु है. ओके सो वी शेयर दिस. तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा. एंड अनीता जी, रवि जी, नीलम जी, चौधरी जी, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग. आज हम बना रहे हैं कलकत्ता लेक स्टाइल आलू. तो हमारी ये जो बेस है ग्रेवी का ये बन गया है. अब हम इसमें हमारे जो आलू हमने फ्राई किए थे, बॉइल आलू लेकर हमने फ्राई किए थे, शैलो फ्राई, उसे इसमें डाल देंगे. ये पुचके वाले आलू भी कहे जाते हैं. कलकत्ता के फेमस स्ट्रीट फूड है ये. इसे आप सब्जी की तरह पराठा या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या पूरी के साथ, नान के साथ, जो भी आपके घर में बना है ब्रेड, इंडियन ब्रेड, आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं. अब हम इसे मिक्स करेंगे. वाव, बहुत ही खूबसूरत लग भी रही है ये और बनी भी है. अमूल घी डालने से इसका टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो गया है. अब हम इसे 2 मिनट्स के लिए दम देंगे, जिसका मतलब है हम इसे बंद करके कुक करेंगे. इसे आप हॉट या कोल्ड किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं. जब तक ये हमारा कुक हो रहा है फॉर 2 मिनट्स, मैंने
फ्लेम ऑलमोस्ट लो से मीडियम के बिल्कुल बीच में रखी है। चलिए आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। एंड बिट्टू कुमार जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेंकटा जी, अभी जैन जी, थैंक्स। मुसर्रत जी, एंड जो भी इस रेसिपी को देख रहे हैं हमें फॉलो ज़रूर करिए ऑन इंस्टाग्राम ओवन्स अप बाय मधु, एंड हमारी रेसिपीज़ को लाइक और शेयर करिए। मेरी ही नहीं, जो भी शेफ्स आते हैं और आप उनकी रेसिपीज़ देखते हैं ज़रूर उन्हें फॉलो करिए। आज हम बना रहे हैं कलकत्ता लेक स्टाइल आलू। हमने कुछ खड़े मसाले लिए थे, आई एम नॉट एबल टू शो इट टू यू नाउ, ये वाले, और इसको हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था विथ 1 or 2 टेबल स्पून ऑफ वाटर। उसके बाद हमने ऑयल गरम करके बॉइल्ड आलू को, छोटे आलू ले सकते हैं या मीडियम साइज़ को हाफ में कट कर सकते हैं, उसे पील कर लीजिए बॉइल हो गया हो तो, और फिर सरसों के तेल में या सनफ्लावर ऑयल में आप उसको शैलो फ्राई कर लेंगे। और फिर दूसरे पैन में, तब तक अगर टाइम सेव करना है तो थोड़ा सा ऑयल एंड अमूल घी आप डाल के जो रेगुलर मसाले हैं वो डालें, और जो पेस्ट हमने बनाया है वो डाल दीजिए। अनियंस डाल दीजिए बिल्कुल बारीक कटे हुए, पेस्ट नहीं डालना है, बारीक कटे हुए अनियंस डालने हैं, बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिए। एंड फिर आप उसमें चाट मसाला, थोड़ा सा इमली की चटनी आपके घर में बनी हो या बाहर से लेकर आ सकते हैं वो डाल दीजिए, अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और बाद में उसमें ये आलू डाल दीजिए। सो ये देखिए हमारी सब्जी, या हमारा जो ये लेक स्टाइल कलकत्ता का स्ट्रीट फूड है, कलकत्ता लेक स्टाइल दम आलू, ये तैयार है। आपके पास टाइम हो तो आप इसको 5 to 10 मिनट्स और लो फ्लेम पे, वेरी लो फ्लेम पे पका सकते हैं, दम दे सकते हैं ढककर। ओके, सो हमारी रेसिपी पूरी तरह से रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व आप इसे, जैसे मैंने बताया, इसे पुचका के साथ खाया जाता है बेसिकली। पर आज हम इसे दूसरे चाट वाली चीज़ों के साथ भी सर्व करेंगे, नॉट ओनली पुचकास। सो मैं यहाँ पे इसे निकाल लेती हूँ। तैयार है हमारे कलकत्ता लेक स्टाइल दम आलू, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रीट फूड है कलकत्ता का और बहुत ही पॉपुलर है स्ट्रीट फूड। कहीं का भी हो बहुत ही लाजवाब होता है, और कलकत्ता तो फेमस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाट्स के लिए, पर ये सबसे पुराना वहाँ का डिश है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब मैं इस पे थोड़ा सा गार्निश करूंगी हरा धनिया। वॉश कर लीजिए हरा धनिया अच्छी तरह से, और आप चाहें तो इस पे लेमन डाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अमचूर डाला है और टैमरिंड पेस्ट डाली है, सो आई थिंक द खटाई इज इनफ। सो इसको इस तरह से हम गार्निश करेंगे। एंड मैं इसे फाइनल प्लेस पे रख के बताती हूँ, एंड आई विल शो यू हाउ टू प्लेट दिस। आइए देखते हैं ऐसे कैसे सर्व किया जाता है। सो आज हमने बनाया कलकत्ता लेक स्टाइल दम आलू। इट्स अ पॉपुलर स्ट्रीट फूड ऑफ कलकत्ता। इफ़ यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल या कोलकाता से हैं, आपको ज़रूर पता होगा इसके बारे में। नहीं भी पता है तो आज मैंने बताया है, आप इसे ज़रूर बनाइए। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा फाइनल डिश कैसा लग रहा है। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये चाट। इट्स एक्चुअली अ चाट, लेकिन आप इसको सब्जी के साथ, सब्जी की तरह भी खा सकते हैं विथ रोटी, ब्रेड, एनीथिंग, पराठे के साथ बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, कुछ चटपटा सा, और आप इसको हाई टी यानी शाम की चाय के साथ बनाइए, मज़ा आ जाएगा। स्वीट, स्पाइसी और टैंजी, बहुत ही गजब इसका टेस्ट है। इसे आप इस तरह की चाट कटोरियों में भी सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर आप झालमुरी, जो वेस्ट बंगाल का फेमस परमल या मुरमुरा स्टाइल ऑफ भेल होती है वो है, और कुछ मैंने यहाँ पे इस तरह की पपड़ी या फाफड़े आप कह सकते हैं वो भी रखे हैं।
एंड उसके साथ आप इसको सर्व करिए या एज इट इज़ आप इसको खा सकते हैं. एंड यूजुअली इसको दोने में दिया जाता है विद अ टूथपिक एंड इसके ऊपर आप लेमन छिड़किए. आपकी जो मर्जी हो उस तरह से आप इसको खा सकते हैं. सो दिस वॉज कैलकटा लेक स्टाइल दम आलू. आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी एंड आई एम श्योर आप इसको लाइक और शेयर करेंगे, अपने तक ही नहीं रखेंगे. एंड यस, हमें फॉलो करिए ऑन इंस्टाग्राम ओवन्स अप बाय मधु. एंड स्पाइसी सी ये रेसिपी जल्द ही बनाइए और मुझे ज़रूर DM करके बताइएगा कि कैसी बनी और आज का इशू आपको कैसा लगा. सो थैंक यू एवरीवन. संडे है, एंजॉय करिए, फ्रेंड्स और फैमिली को मिलिए एंड थोड़ा सो जाइए और शाम को उठकर ये रेसिपी बनाइएगा. थैंक यू वेरी मच. आई सी यू अगेन टुमारो एट 9:30 PM. डू जॉइन अस ऑन अमूल फेसबुक लाइव. ओके, बाय, हैव अ ग्रेट संडे.